हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज मैं आपको जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ वो है मेदू वड़ा, सांभर वड़ा जिसे आप बोलते हैं। और सांभर मैं पहले आप बना चुकी हूँ अपने चैनल पर, दो तीन रेसिपी में दे चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऐसे ही कोकोनट चटनी के साथ भी आप खा सकते हैं, कोकोनट चटनी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये देखिए, ये धुली उड़द दाल होती है जिसको मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया है। मिनिमम 6 to 7 आवर्स आपको इसको सोक करना चाहिए और इसको हमने स्ट्रेन कर लिया है, इसके वाटर को 6 to 7। मैंने करी लीव्स ली हैं, 2-3 पिंच में हींग यूज करने वाली हूं, 1/2 इंच अदरक लिया है, 1 हरी मिर्च ली है, 1 टेबलस्पून मैंने चावल का आटा लिया है, सॉल्ट एज पर टेस्ट है, 1/2 टीस्पून जीरा है और 1/4 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर है, काली मिर्च। ये जो दाल है ये मैंने केवल 1 कप ली है ताकि आपको थोड़ी दाल से बताया जा सके। और ऑयल मैंने इधर लिया है जो गरम करना रख दिया है वो डीप फ्राई करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये दाल इसमें डाल ली है, बहुत कम पानी डालकर हम इसको पीसेंगे। मैंने इसमें 1 हरी मिर्च, अदरक इसी में डाल दिया है, बाकी सब हम बाद में डालेंगे। और 2-3 करी पत्ता मैं इसमें डाल रही हूँ, बाकी मैं लास्ट में काट कर डालूंगी। आपकी चॉइस है, आप ग्रेट करके बैटर में भी मिक्स कर सकते हैं। तो बहुत थोड़ा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड करते हैं। तो ये देखिए, ऐसे हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको पीसेंगे, ऐसे दरदरा, मतलब हमें एकदम से इकट्ठा पानी नहीं डालना है। अब मैं फिर इसमें थोड़ा पानी डालूंगी और मैं करी लीव्स इसी में डाल रही हूं सारी, और इसको फिर से चलाएंगे बहुत थोड़ा, 1 टेबलस्पून इस टाइप से। अब फिर से हम इसको चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दाल बहुत अच्छे से पिस गई है और बहुत कम पानी डालकर हमने मिक्सी में इसको पीसा है। और मैं आपको यहां बताना चाहूंगी कि आपको मिक्सी एकदम नहीं चलानी है, थोड़ा रुक रुक कर अगर आप चलाएंगे तो दाल आसानी से बिना पानी के पिस जाएगी। यानी बिना पानी मतलब कि बहुत थोड़ा पानी, आप देखिए ऐसे ही गिर नहीं रहा है, इतना थिक बैटर होना चाहिए इसका। तो ये हमारी पिसकर तैयार है, इसको एक बाउल में खाली करते हैं। अब ये देखिए बैटर जो है इतना थिक है। हमें क्या करना है, क्या ट्रिक है कि अब हम इसको हाथ से बहुत अच्छे से फेंटेंगे। आप दही बड़े बना रहे हैं या फिर आप मेदू वड़ा बना रहे हैं, जितना आप दाल को फ्लफी कर लेंगे, फेंटेंगे, उतना ही ये बढ़िया बनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा और हाथ की गर्मी से ना ये अच्छा फेंटता है ऐसे। तो इस टाइप से हम इसको अच्छा फ्लफी करेंगे। देखिए कितना थोड़ा था और ये फेंटते हुए कैसा हो जाएगा। अब ये देखिए काफी फ्लफी ये हो गया है, देख रहे हैं ना आप, कलर भी व्हाइट हो गया है। अच्छा, आप इसको चेक करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो ये जैसे हमने वाटर लिया है, पानी लिया है इस बाउल में, तो आप थोड़ा सा इसमें से निकालिए और डालिए। अगर ये तैरता है तो आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए ये देखिए बिल्कुल अच्छे से तैर रहा है, यानी हमारा बैटर जो है वो फूल के अच्छा परफेक्ट हो गया है और हम बड़ाई बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसके अंदर ये जीरा, कुटी हुई काली मिर्च, और ये ऑप्शनल है राइस फ्लोर, चावल का जो आटा है ये ऑप्शनल है, सॉल्ट है, ये थोड़ा सा क्रिस्पी करता है इसलिए मैं इसमें डाल रही हूं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें ये हमने 2-3 करीली को कट करके भी डाल दिया है, चॉइस है, ऑप्शनल है। और ये हम 2-3 पिंच इसमें हींग डाल देंगे, क्योंकि उड़द दाल है तो ये नुकसान नहीं करता है, हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इस स्टेज पर आप नमक चेक कर लीजिए, टेस्ट कर लीजिए कि परफेक्ट है। और अब हमारा ये मेदू वड़ा बनाने के लिए तैयार है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून जो है गरम तेल भी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पानी में हाथ अच्छे से गीला कर लेंगे, इसको एक ही कॉर्नर से ऐसे उठाएंगे बॉल की तरह और अंगूठे की सहायता से इसमें होल करेंगे ऐसे, और डायरेक्ट इसको इसमें छोड़ देंगे। बहुत ध्यान से आपको छोड़ना है ताकि उसमें जो है आपका हाथ ना जले। ये देखिए इस टाइप से हम इसको ऑयल में छोड़ देंगे। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूं, ये हम
राइस स्पून या कुछ भी ऐसा ले लेंगे स्पून जो पीछे से प्लेन है, उसके ऊपर ऐसे गोल रखेंगे, गीला कर लेंगे उसको पहले, उसको ऐसे गोल थोड़ा सा ऐसे रखेंगे, उसमें होल करेंगे, थोड़ा सा शेप दे सकते हैं आप, पहली बार करने के लिए ये भी एक अच्छा है तरीका, और इसको इसमें डाल दें। ये देखिए, बस बहुत ध्यान से आपको करना है, इसको पलट लेंगे। ऑयल जो है वो आपका मीडियम हॉट होना चाहिए। ये देखिए बहुत परफेक्ट ये बन रहा है। इसी तरह से हम सारे बड़े बना लेंगे, इसमें ऐसे होल करेंगे, वापस रखेंगे। ये देखिए ये बहुत आसान है, आपका हाथ भी नहीं जलेगा अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो, बहुत आसान तरीका है। और इस तरह से आप इसमें डाल देंगे इसको, एक दो बार करेंगे बहुत अच्छा परफेक्शन आ जाएगी, एक दो बार करने से ही आपको अच्छी परफेक्शन मिल जाएगी। शुरू शुरू में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन जैसे ही आप ट्राई करेंगे, आप कटोरी के पीछे पानी लगा के कर सकते हैं, और ये हल्के मंदी आंच पे इसको धीरे धीरे फ्राई करें, बाहर से गोल्डन ब्राउन हो जाए, अंदर से कच्चे ना रहें, ऐसा भी आप ध्यान रखें। ये देखिए कितने परफेक्ट वड़े बनकर तैयार हैं। ये हाथ पे हम ऐसे करके डाल देंगे और बहुत आसानी से डल जाएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ऐसे ही हम अब सारे वड़े बना लेते हैं। जो वड़े बन गए हैं उनको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से फूल भी गया है वड़ा, कलर भी परफेक्ट आया है, अंदर से भी पक गया है। देखिए दोनों तरफ से क्रिस्पी हो गए, मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ कितना अच्छा वड़ा बनकर तैयार है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे बनेगा, एक दो बार शेप खराब हो सकती है बट टेस्ट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो आप ये बस ये सेकने का ध्यान रखेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कीजिए। ये अभी सिकने बाकी हैं, और ये देखिए हमने ऐसे लिया है, गीला हाथ कर लिया है। मैं आपको बार बार इसलिए कह रही हूं, कुछ मुश्किल नहीं है। हाथ गीला करने के बाद आप ऐसे इधर ले सकते हैं सीधे हाथ में, और फिर आप ऐसे होल बना लीजिए और धीरे से आप इसको छोड़ दीजिए। फिर से ये आप दोनों हाथ में ले लें, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ये देखिए थोड़ा सा शेप दे दीजिए और डाल दीजिए इसको, है ना आसान। एक दो बार लगता है शुरू में, घबराइए मत, और इसको इतना सेकिए कि वो अंदर से कच्चा ना रहे, ऊपर से क्रिस्पी तो हो ही जाएगा, ब्राउन जल्दी हो जाता है, बट मीडियम हॉट ऑयल में आप इसको सेकिए तो बहुत ही फर्स्ट क्लास ये फूले फूले आपके मेदू वड़ा बनेंगे, और आपको बहुत खुशी होगी कि ये आपने बनाए हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गए हैं, और अगर हम घोल को पतला रखते हैं तो ऑयल भर जाता है उसमें, तेल पी लेते हैं, और हमने थिक रखा है तो ये इसमें बिल्कुल भी तेल नहीं पिया है, और बहुत ही बढ़िया परफेक्ट कलर, परफेक्ट सिकाई। अब हम इनको निकाल लेते हैं, इनकी प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए अब हमारी ये जो प्लेट है लगकर तैयार है, आप देख सकते हैं ना कितने बढ़िया बड़े बने हैं, और ये देखिए क्रिस्पी हैं, बिल्कुल भी ऑयल नहीं पिया है। तो आई होप आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, अगर पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिए, उससे हमारी हौसला अफजाई बढ़ती है। Thank you so much for watching my recipe.